नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले के मऊगंज से, जहां बीती रात्रि लगभग 2 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौटते वक्त ट्रैक्टर टाली पलटने से 3 की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 9 लोग गंभीर हैं, जिन्हें चिकित्सकों ने रीवा रेफर कर दिया है। वहीं 13 का मऊगंज सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सभी लोग मऊगंज थाना क्षेत्र के पमुरिया ग्राम के निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि नईगढ़ी के अष्टभुजी धाम देवलहा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौटते वक्त दुर्घटना का शिकार हुए हैं। घटना की वजह नशे की हालत में ट्रैक्टर चलाना बताया जाता है। चालक की लापरवाही से भक्तिभाव में डूबे श्रद्धालुओं की जहां मौत हो गई, वहीं कई जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मृतकों में राजेश कुशवाहा, अश्विनी पाटिल और राम उजागर शामिल है। रास्ते में ट्रैक्टर पलट गया और 40 लोग उसके सवार थे। ट्रैक्टर पलटा तो पूरे लोग दब गए, 3 लोग घटनास्थल पर ही खत्म हो गए, बाकी लोग घायल हैं। घायलों को संजय गांधी भिजवाए, एम्बुलेंस के इंतजाम किए, तमाम पूरा प्रशासन आया, SDM और आपके SDOP साहब, डॉक्टर कोल साहब, सब लोगों का सराहनीय काम रहा। सब लोग अच्छी मदद किए, अच्छी मेहनत किए, मरीजों को भी भिजवाने में भी और यहाँ दवाई करने में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़ा था। स्पीकर साहब से भी मेरी रात को ही बात हुई, उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित करके पूरे प्रशासन को यहाँ जिस तरह से प्रशासन हमला आया और मदद किया, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा। सरकार के लोग, जितने अधिकारी कर्मचारी, अच्छा काम किए, अच्छी मदद की। सर, घटना हुई है जिसमें 3 की मौत हुई है, 24 घायल हुए हैं, ये कब की घटना है? क्या मुझे सर 1:30 बजे के लगभग हुई थी घटना। सर 1:30 बजे ही हमको सूचना मिल गई थी फ़ोन पर, तो हम लोग यहाँ तैयार थे। 2 बजे के लगभग सब लोग आए। कितने घायल थे? सर 27 टोटल हैं, 25-27 के लगभग। तो 13 रिफर हुए हैं, 9 यहाँ एडमिट थे और 3 की मृत्यु। जो रिफर हुए उनकी हालत क्या है? उनकी हालत ठीक थी, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं, इसलिए रिफर कर दिया गया। दर्द से ज़्यादा करा रहे थे, तो आप हमको लगा कि मतलब कुछ घटना घट, और ऊपर से अधिकारियों का ये था कि मतलब आप जल्दी से जल्दी रिफर करें।